रोहतक और गोहाना की। वैसे तो रेवड़ियां बड़ी मशहूर है, रोहतक और गोहाना की रेवड़ियां बड़ी मशहूर है। मैं यहां था तब तो खाता था, लेकिन गुजरात गया तब भी यहां के पुराने दोस्त मुझे भेजते थे, और दिल्ली पीएम बन के आया तब भी भेजते हैं। यहां की रेवड़ियां तो मशहूर है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां नौकरियां रेवड़ियों की तरफ बांटती थी और रेवड़ियों की तरफ बेचती भी थी। मनोहर लाल जी की सरकार ने पूरी पारदर्शिता के से काम करते हुए हरियाणा के नौजवानों को धोखा देने वाले कांग्रेस के इस खेल को बंद कर दिया है। साथियों, दिल्ली में जो कांग्रेस के नामदार है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मिलकर क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये भी पूरा देश जानता है। किसान की जमीन कोड़ियों के दाम पर हड़प ली और फिर उस पर भ्रष्टाचार की खेती की गई है। आज ये जितने भी नामदार हैं, सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में आपने मुझे 5 साल का मौका दिया, वो दरवाजे तक पहुंच गए हैं। दूसरे 5 साल का मौका दीजिए, देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। भाइयों और बहनों, किसान के साथ साथ कांग्रेस ने हमारे जवानों को भी नहीं छोड़ा। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल हो, पुलिस मेमोरियल हो, कांग्रेस ने सभी को धोखा दिया। हमारी सरकार ने ये सारे काम और सम्मान हमारे जवानों के लिए, शहीदों के लिए और उनके परिवार के लिए किए हैं। यही कारण है कि राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र नीति को लेकर ये कभी बात नहीं करते। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इनके जो कर्म रहे हैं वो भी सदैव इनके साथ रहने वाले हैं।